नमस्कार साथियों साथियों इस वीडियो के माध्यम से हम जानेंगे जो हमारे इंस्ट्रूमेंट हैं उनको कैसे कैलिब्रेशन करते हैं, कैसे प्रोसीडर बनाते हैं, SOP, WI, गेज हिस्ट्री कार्ड, कैलिब्रेशन प्लान, ये सब चीज़ इसमें सीखते हैं पूरी वीडियो में। साथियों वीडियो एंड तक देखें, पूरी वीडियो देखें, इससे आपको काफ़ी समझ में आएगा, काफ़ी हेल्पफुल है आपके लिए। आइए साथियों, तो साथियों हम शुरू करते हैं वीडियो। ये रिक्वायरमेंट है ISO 9001 एंड IATF 16949 की, तो ये इसके स्टैंडर्ड हैं उसमें दिया गया है। ये क्लोज नंबर है, इस क्लोज नंबर में पूरा डिटेल दी गई है, आप वहाँ से पढ़ सकते हो। ये IATF की रिक्वायरमेंट है, IATF में भी दे रखी है इसकी रिक्वायरमेंट्स। ये कैलिब्रेशंस, वेरिफिकेशंस, रिकॉर्ड, लेबोरेटरीज रिक्वायरमेंट, इंटरनल एक्सटर्नल, क्या क्या रिक्वायरमेंट्स होती हैं इनकी। साथियों आइए एक बार मैं इसको थोड़ा सा दिखा देता हूँ आपको। ये आपको स्टैंडर्ड दिख रहा होगा आपको, ठीक है। यहाँ से स्टार्ट होता है जो मेजरमेंट सिस्टम एनालिसिस, इसको MSA बोलते हैं। जो MSA हम करते हैं तो जो कैलिब्रेशन के टाइम हम देखते हैं इसमें लीनियरिटी, स्टेबिलिटी और वायस, तीन चीज़ें देखते हैं। ये कैलिब्रेशन तरह हम इंस्ट्रूमेंट का वेरिएशन देखते हैं, लोकेशन वेरिएशन देखते हैं। उसमें बताया गया है ये पूरा बाकायदा, ये IATF का स्टैंडर्ड से पॉइंट हैं। ये आप देखते हो, देख सकते हो मेजरमेंट्स, ट्रेसेबिलिटी, ये ISO की रिक्वायरमेंट्स हैं और ये IATF की रिक्वायरमेंट है। ये IATF की रिक्वायरमेंट्स है कैलिब्रेशन एंड वेरिफिकेशन, रिकॉर्ड्स, क्या क्या रिकॉर्ड्स होने चाहिए, ये सारे दे रखे हैं आपने, स्क्रीनशॉट ले सकते हो, आप आराम से स्टडी कर सकते हो, इसमें दे रखा है पूरा ये, ठीक है। इसी प्रकार से मैं बात करूँ मैं लेबोरेटरीज रिक्वायरमेंट, हमारी लेबोरेटरीज रिक्वायरमेंट्स क्या होती हैं। ये लेबोरेटरीज की रिक्वायरमेंट है, ये आप देख सकते हो, ये लेबोरेटरीज की रिक्वायरमेंट है हमारा। इंटरनल लेबोरेटरीज, ये एक्सटर्नल लेबोरेटरीज, ठीक है। ये स्टैंडर्ड है, इसको स्टैंडर्ड को ये फॉलो करता है ISO का, तो ये स्टैंडर्ड को आप ज़रूर पढ़ें, ज़रूर देखें। तो ये चीज़ थी, आपने ये देखा, ये हमारी इसकी रिक्वायरमेंट है। अब बात करते हैं हम, आगे चलते हैं। ये तो हमने देख लिया स्टैंडर्ड की रिक्वायरमेंट क्या थी, ठीक है। अब कैलिब्रेशन के लिए हमें क्या क्या चाहिए, हमें पहले स्कोप बनाते हैं हम कैलिब्रेशन, जो लेबोरेटरीज है तुम्हारी, स्कोप चाहे इंटरनल है चाहे एक्सटर्नल है। इंटरनल है, हम इंटरनल क्या क्या इंस्ट्रूमेंट चेक कर सकते हैं, हमारे पास क्या क्या सुविधाएं हैं, पूरा वो स्कोप में आ जाता है इंटरनल। और एक्सटर्नल हम क्या क्या जो हम नहीं कर सकते तो बाहर से कराना पड़ेगा हमें, और बाहर से भी कराएंगे तो किस लैब से हम करा सकते हैं, तो लैब भी काफ़ी होती हैं, वहाँ भी हम इसको कराते हैं, इसके लिए भी है। कैलिब्रेशन प्रोसीडर्स, SOP और WI, ठीक है। फिर हम मास्टर लिस्ट बनाते हैं, इसमें पूरे आपकी ऑर्गेनाइजेशन में जितनी भी कंपनी में इंस्ट्रूमेंट्स इक्विपमेंट्स हैं उन सब की लिस्ट बना लेते हैं, गेजेज हैं सबकी लिस्ट बना लेंगे। फिर हम उसको प्लान करते हैं क्वार्टरली, हाफअरली, इनके यूज़ के डिपेंड है। जो हमारा ज़्यादा यूज होता है उसको हम हाफअरली रखेंगे, और भी ज़्यादा यूज होता है प्रोडक्शन में क्वार्टरली रख सकते हैं, उसके यूज़ के ऊपर है, कितना यूज़ होता है, कितना वेरिएशन आता है उस इंस्ट्रूमेंट का, उसके ऊपर हम इसको कैलिब्रेशन प्लान बना लेते हैं। एक इंस्ट्रूमेंट हमारा लैब में रखा हुआ है, बहुत कम यूज होता है, तो उसको हम साल में एक बार रखते हैं, ईयरली रख देते हैं, और कम यूज होता है 2 ईयरली रख देते हैं, तो उस हिसाब से उसका यूज़ करते हैं हम, कितना वेरिएशन आता है कैलिब्रेशन के दौरान, हम वो सब एनालिसिस करके रिकॉर्ड को तब उसका कैलिब्रेशन प्लान बनाते हैं। रिकॉर्ड ऑफ कैलिब्रेशन सर्टिफिकेट, उस जो हम बाहर से कराते हैं उसका एक सर्टिफिकेट आता है, उस पर एक नंबर लिखा होता है किस इंस्ट्रूमेंट से वो भी चेक किया गया है, उसका भी एक सर्टिफिकेट आता है, तो वो ट्रेसेबिलिटीज हम चेक करते हैं, इस इंस्ट्रूमेंट ट्रेसेबिलिटीज, उस इंस्ट्रूमेंट ट्रेसेबिलिटीज, तो वो सर्टिफिकेट नंबर से हम ट्रेस करते हैं इसको। हिस्ट्री कार्ड हम इंटरनल करते हैं, तो हमने जिस किस इंस्ट्रूमेंट से इसको हमने चेक किया उस इंस्ट्रूमेंट का भी एक सर्टिफिकेट नंबर होता है, वो इस इंस्ट्रूमेंट से ट्रेस करेंगे और उस इंस्ट्रूमेंट को पूरा हिस्ट्री कार्ड बनाएंगे। स्क्रैप रिकॉर्ड, स्क्रैप रिकॉर्ड हमारा रखने के लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जो भी इंस्ट्रूमेंट्स स्क्रैप होते हैं उनको डैमेज करके ही रखें, क्योंकि वाई चांस गलती से भी अगर वो दोबारा इश्यू हो गया तो माल रिजेक्ट बन सकता है, आपका प्रोडक्शन रिजेक्ट हो सकता है, वो कंपनी के लिए काफ़ी हानिकारक होता है। तो जो भी इंस्ट्रूमेंट रिजेक्ट हो गया उनको स्क्रैप कर दें और लॉकर में रख दें, क्योंकि दोबारा रीयूज ना हो जाए, ठीक है। आइए साथियों आगे देखते हैं।
ये हमारा प्रोसीडर बनाते हैं इस प्रकार से हम, इसमें हम पर्पस क्या है इसका, स्कोप क्या है, ठीक है, और कुछ डेफिनेशंस और इनपुट आउटपुट ये सब बता देते हैं, ठीक है। तो ये आपको स्क्रीनशॉट ले लो, इसको पढ़ लीजिएगा, मैं आगे और बताता हूँ आपको। ये इसकी डिटेल्स हैं, कैसे कैलकुलेशन करेंगे, क्या पूरा इसमें से समझाया गया है, ठीक है। तो जैसे लिखा हुआ है एनेबल से अप्रूव्ड होना चाहिए, सर्टिफाइड होनी चाहिए कंपनी, हम चेक कैलकुलेशन करें तो पूरी इसमें से डिटेल रखी है, आप पढ़ेंगे तो आपको काफ़ी समझ में आ जाएगा। इस प्रकार से भी बना सकते हैं शॉर्ट वे में हम, ये आपका फ्लो चार्ट के रूप में बनाया है मैंने ये, जैसे ये हमने मास्टर लिस्ट बनाई, फिर इसको पूरा फ्रिक्वेंसी डिफाइन करी, उसके बाद हमने कैलकुलेशन कराया, कैलकुलेशन से नोट ओके हो गया, तो फिर दोबारा से रिपेयर करके फिर दोबारा से चेक करेंगे, उसके बाद फिर हम फाइनल इंस्ट्रूमेंट इशू कर देंगे। इस प्रकार से अगर नहीं सही हो रहा है तो इसको हम स्क्रैप करेंगे। इस प्रकार से आप ये फ्लो चार्ट के रूप में भी बना सकते हो, डिटेल में भी बना सकते हो, फ्लो चार्ट के रूप में भी बना सकते हो। साथियों मास्टर लिस्ट बनाने के लिए हमें पहले क्या, हमने कैसे बनाया, इस प्रकार से बना सकते हैं हम, सीरियल नंबर, यहाँ पे इक्विपमेंट्स या गेज नेम, क्या इक्विपमेंट है, गेज है क्या है, जैसे मैं बात करूँ ईयर प्लग गेज है, माइक्रोमीटर है, हाइट गेज है, बोर गेज है, स्नैप गेज है, जो भी गेज है जो हैं आपके, इंटरनल करते हो या एक्सटर्नल करते हो, तो यहाँ पे इंटरनल करते हो तो इंटरनल आ जाएगा, एक्सटर्नल करते हो तो एक्सटर्नल आ जाएगा। उसके बाद आपका देखो यहाँ पर पूरा डिटेल समझ में आ जाएगी, अलग अलग भी बना सकते हो लिस्ट को, इंटरनल की अलग एक्सटर्नल की अलग बना सकते हो, आपको और इजी हो जाएगा। उसके अंदर से नंबर देते हैं इंस्ट्रूमेंट को, नंबर पहचानने के लिए क्या नंबर है, क्या रेंज है चेक करने की, जैसे माइक्रोमीटर है हमारा, इसके 0 से 25 mm तक चेक करेगा, इसकी लिस्ट काउंट क्या है, 10 mm है, ठीक है, 10 माइक्रोन, सॉरी लिस्ट काउंट 10 माइक्रोन है, इसकी 1 माइक्रोन लिस्ट काउंट है, इसकी 0.01। तो जो हमारा माइक्रोमीटर इसकी ये है 1 ईयर एक्स वो है, इसका फ्रिक्वेंसी रहेगी 1 ईयर रहेगी, इसके कब किया हमने, कौन सी डेट को हमने कैलकुलेशन किया, ड्यू डेट क्या है इसकी, 1 ईयर लिया हुआ तो ड्यू डेट 1 साल बाद आएगी इसकी, एक्सटर्नल इंटरनल क्या है वो सब, सर्टिफिकेट नंबर ये लिखना बहुत जरूरी है इसको ट्रेस करने के लिए, तो ये सर्टिफिकेट नंबर क्या है इसका, ठीक है, ये किस लोकेशन पे यूज हो रहा है हमें पता लग जाएगा, ये लैब में है, सीएनसी लाइन 5 में, सीएनसी 32 पर है, ये 23 पर है, सॉरी 23 सीएनसी मशीन है उस पर यूज हो रहा है हमारा ये ईयर प्लग गेज, ये लैब में यूज हो रहा है। इस प्रकार से हम लिस्ट बना लेते हैं पूरी डिटेल में। आगे बात करता हूं मैं तो कैलिब्रेशन प्लान, जब से कैलिब्रेशन बेसिकली प्लान यह भी बना सकते हो, आपका पूरा डिटेल यहाँ आ ही गई, कब हुआ हुआ यही प्लान में होता है, और ज़्यादा समझने के लिए आप इस प्रकार से बना सकते हो, कौन से इंस्ट्रूमेंट कब यूज होंगे, तो इसमें आपको डिटेल में समझ में आ जाएगा, पता लग जाएगा कौन सा डन हो गया कौन सा डू है हमारा, एक इस प्रकार से भी बना सकते हो। गेज हिस्ट्री कार्ड की बात करूँ मैं तो, जब इंटरनल काम करते हैं, इंटरनल गेज की कैलिब्रेशन करते हैं, उसमें इस प्रकार बना सकते हैं, पूरा यहाँ पर नंबर लिख सकते हैं, इसका क्या नंबर है, लोकेशन क्या है, पूरी इसकी सब डिटेल डाल दी यहाँ पर। ये यहाँ मैंने लिखा वर्नियर कैलिपर है, वर्नियर कैलिपर को मैंने चेक किया 10 mm पे, 20 mm पे, 25 mm पे, 50 mm पे, 100 mm पे, 150 mm पे, यानी मैंने पूरी विड्थ चेक कर ली इसकी, रिजल्ट क्या रहा ओके, ठीक है, नेक्स्ट ड्यू डेट कब है और डन डेट क्या है वो सब इसमें लिख देते हैं, उसमें साइन कर देते हैं अपने इंस्पेक्टर, इस प्रकार से इसको इजीली भाषा में बना लेते हो, ठीक है, इसको बनाने में कोई इशू नहीं है, बन जाएगा। अगर हम बात करते हैं चेक शीट, इक्विपमेंट चेक शीट होती है, जैसे हमारी कोई सीएमएम मशीन है, सीएमएम मशीन की कुछ हम पैरामीटर चेक करते हैं, तो उसकी हम पूरी चेक शीट बना के इस प्रकार से बना लेते हैं, पॉइंट लिख देते हैं क्या चेक करना है, किसा स्पेसिफिकेशन है, विजुअली मेथड कैसे चेक करना है, कब चेक, तो हमारी पूरे मंथ की है ये, कौन सा मंथ है, ये डेट आ गई आपकी, टिक टिक करो या फिर ओके करो, जैसे भी आपको लिखना है बना सकते हो, ये चेक शीट है आपकी, ठीक है साथियों। अब मैं बात करता हूँ, जैसे मैंने एक वर्नियर कैलिपर लिया, वर्नियर कैलिपर का मैंने कैलिब्रेशन करना है, तो उसका हमें एक WI बनानी है, पहले WI बनाओगे तभी तो कैलिब्रेशन करोगे उसके पहले, तो पहले हमने इसको पर्पज़ क्या है कैलिब्रेशन करना, इसका क्या चाहिए हमें, जैसे मैं बात करूँ उसको मटेरियल क्या क्या चाहिए, इसकी रिक्वायरमेंट क्या क्या पड़ेगी, क्लीनिंग करने के लिए क्लीनिंग चाहिए, पेट्रोल चाहिए या जो भी आपका सोल्यूशन है वो चाहिए आपको, जिससे क्लीन कर सको बनकर ख़राब ना हो, कपड़ा चाहिए सॉफ्ट कपड़ा चाहिए, बढ़िया कपड़ा चाहिए जिससे कि वो ख़राब ना हो, उसके स्क्रैच ना आए,
ब्रश चाहिए, साफ ब्रश चाहिए, फाइन ब्रश चाहिए, बहुत मुलायम ब्रश आते हैं उस प्रकार का ब्रश चाहिए, जैसे घड़ी साफ करते हैं ना उस प्रकार का ब्रश होना चाहिए। इस प्रकार से सारे इंस्ट्रूमेंट हम कलेक्ट करके जब इसको बनाने कैलकुलेशन करने की विधि है, ये इस प्रकार से आप WI बना सकते हो। स्क्रीनशॉट ले लो इसका बनाने के लिए। ये स्टैंडर्ड है, हम इस स्टैंडर्ड को फॉलो करते हैं, इस स्टैंडर्ड को आप डाउनलोड कर सकते हो। तो इसमें और कैलिब्रेशन कैसे करते हैं पूरी डिटेल में समझ में आएगी, क्योंकि एक वीडियो में सारी चीज़ बताना थोड़ा सा पॉसिबल हो जाता है, इम्पॉसिबल होता है तो हम नहीं बना सकते, ठीक है। हाँ, ट्रेनिंग लो तो हम डिटेल में बताते हैं, अगर ट्रेनिंग अटेंड करना तो उसमें पूरी डिटेल में टाइम लगता है, उसमें जो वीडियो ट्रेनिंग चलती है तो 2 घंटे 3 घंटे की ट्रेनिंग चलती है, तो ये तो 10-15 मिनट का वीडियो होता है, तो इसमें ज्यादा ज़्यादा नहीं मिल पाता है आपको। अब जैसे मैं बात करूँ, ये हमारा प्रोडक्ट है, इस प्रोडक्ट का मेरे को ये डाया चेक करना है, तो ये डाया मैं बर्नियर से चेक करूँगा तो मेरे को बहुत टाइम लगेगा, माइक्रोमीटर चेक करूँगा तो भी टाइम लगेगा। अगर मैं इसका स्नैप गेज बना देता हूँ तो स्नैप गेज मेरे को चेक करने में ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। कैसे नहीं लगेगा, जैसे मैं बात करूँ ये मेरा प्रोडक्ट है, ये स्नैप गेज है, इतना टाइम लगेगा, बस चेक किया हटा दिया, चेक किया हटा दिया। तो इससे क्या है कि मेरे को बहुत ईजी टाइम में तो मेरी प्रोडक्टिविटी बचेगी, चेक करने का समय बचेगा, और इसे कम स्किल्ड ऑपरेटर भी चेक कर सकता है ईजी, ठीक है। आइए साथियों आगे देखते हैं। तो ये स्नैप गेज बनाने के लिए कुछ फार्मूले हैं, वैसे वीडियो में बना चुका हूँ ऑलरेडी, उस वीडियो को देख सकते हो। अगर आपको समझ में आया तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो इसको, और ये हमारी पूरी कैलकुलेशन करने का तरीके हैं, ये कैसे कैलकुलेट करते हैं। ये है आपका ये टेबल है, जो स्टैंडर्ड डाउनलोड करोगे, ये स्टैंडर्ड डाउनलोड कर लेना, इसमें सारा मिल जाएगा आपको, ठीक है। ये स्टैंडर्ड डाउनलोड कर लेना आप, इस स्टैंडर्ड में स्नैप गेज का, प्लेन प्लग गेज का, ये आप कैलकुलेशन फार्मूला निकाल सकते हो, ठीक है। तो साथियों ये छोटी सी वीडियो बनाई थी मैंने, आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं। मैं ऑनलाइन ट्रेनिंग भी देता हूँ, ऑनलाइन ट्रेनिंग लेना चाहते हैं तो आप ऑनलाइन ट्रेनिंग ले सकते हैं मेरे से, कॉन्टैक्ट करके ये दिए हुए नंबर से कॉन्टैक्ट करें मेरे से, ऑनलाइन ट्रेनिंग लें, मैं ऐसे डिटेल में बताता हूँ आपको, और आपको मेहनत करनी पड़ती है मेरे साथ, खुद मेहनत करेंगे तो आप काफ़ी आगे जाएंगे। देखो सोचना आपको है, आप यहाँ पैसा खर्च करते हैं या शरीर पर पैसा खर्च करते हैं, यहाँ पैसा खर्च करेंगे तो ये पैसा कमा के देगा। मैंने एक वीडियो में बताया भी था कि देखो वर्कर आप है वो कितनी मेहनत करता है, वो शरीर से मेहनत करता है, एक इंजीनियर मैनेजर्स सिर्फ दिमाग से मेहनत करते हैं और पैसा कमाते हैं, दैट्स ऑल, यही बात है, बाकी कुछ नहीं है। बाकी आपका सोर्स रिसोर्स ये सब होना चाहिए, वो भी है। साथियों और भी कोई सर्विस चाहिए तो ये सर्विसेज हैं हमारी, ये सर्विस को आप ले सकते हैं, और ये हमारी ट्रेनिंग्स हैं ऑनलाइन ट्रेनिंग, जो भी ऑनलाइन ट्रेनिंग चाहिए वो आप ट्रेनिंग अटेंड कर सकते हैं। तो ओके साथियों, जय हिंद जय भारत, ओके थैंक यू, बाय बाय।